इंडिया आघाड़ी पर रामदास आठवले ने कहा कि ये नेगेटिव आघाड़ी है, गलत तरीके से ये इंडिया का गठबंधन हुआ है और देश के प्रधानमंत्री मोदी के सामने इसे कायम रखना नामुमकिन है। इस दौरान पत्रकारों द्वारा केजरीवाल पर सवाल करने पर आठवले बोले कि इंडिया आघाड़ी में केजरीवाल शामिल होंगे या नहीं ये कुछ कह नहीं सकते। आठवले आज नागपुर आए हैं, इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से संवाद साधते हुए कहा है आघाडी आहे ही आघाडी निगेटिव्ह आघाडी आहे, म्हणजे त्यांनी माननीय राहुल गांधी यांनी उडून ताणून अशा पद्धतीचं नाव त्या ठिकाणी केलेलं आहे। एक तरह विरोधी आघाडीचं नाव इंडिया ठेवणं हे अत्यंत अयोग्य आहे, परंतु त्यांनी ते ठेवलेलं आहे। तर माझी भूमिका अशी आहे की INDIA अशी जी आघाडी आहे तर त्यामध्ये आय म्हणजे इंट्रोडक्शन, डीम एन म्हणजे निगेटिव, डे म्हणजे डेट, आय म्हणजे आयडिया आणि ए म्हणजे अलायन्स, म्हणजे चुकीच्या वेळेला झालेला अशा पद्धतीचा निगेटिव्ह अलायन्स आहे। आणि नरेंद्र मोदींच्या समोर यांचा टिकाव लागणं अत्यंत अशक्य आहे, त्यांनी किती प्रयत्न केले तरी 2024 नरेंद्र मोदीजी प्रधानमंत्री बनतील आणि आम्ही सगळे त्यांच्यासोबत आहोत, जनता त्यांच्यासोबत आहे। जरी यांची INDIAची आघाडी जरी ते करत असले तर त्यांना तो लोकशाहीमध्ये अधिकार आहे, त्यांनी तो प्रयत्न करावा, परंतु जी जनता जी आहे ती आमच्यासोबत आहे आणि आम्हाला 350 पर्यंत जागा मिळतील अशी आम्हाला अपेक्षा आहे। मुझे लगता है कि भाई आम आदमी पार्टी और काँग्रेस पार्टी में थोड़ा सा संघर्ष चल रहा है। मतलब जिस तरह काँग्रेस पार्टी ने बयान दिया है कि भाई दिल्ली में हम सत्ता लाएंगे तो इससे माननीय अरविंद केजरीवाल जी नाराज है। अभी मुंबई की मीटिंग में आते कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी मतलब उन्होंने दाव लगा रहे हैं और जो INDIA की जो आघाड़ी है, विपक्ष दलों की आघाड़ी है, उसमें अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे या नहीं जाएंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने अगर कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया था कि भाई हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ही मतलब उसमें छेद करने का काम किया है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने उस मीटिंग में नहीं जाना चाहिए।